राइट नाउ इन द मिडल ऑफ समथिंग, मैं कोरापुट से जगदलपुर की ओर जा रहा हूँ और मैं सोचा कि एक छोटा सा वीडियो शूट करते हैं, ये बताते हैं आपको कि हाउ गुड इज़ डस्टर इन टूरिंग। सो लेट स्टार्ट। अभी इससे अच्छी जगह हो सकती है क्या ये वीडियो शूट करने के लिए? तो वी हैव द डस्टी हियर ओनली। नंबर प्लेट मैंने निकाल दिया है क्योंकि नंबर प्लेट के जो ये टेप्स थे वो निकल रहे थे। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द बूट, यू गेट ए मैसिव बूट ऑफ अराउंड 470 प्लस लीटर्स। और इसको यदि आप रिमूव कर दें, ये आपको ऐसा रिमूवेबल दिया रहता है, या आप बाहर निकाल सकते हैं, तो इट गेट्स ऑलमोस्ट डबल। मतलब टॉकिंग अबाउट द प्रैक्टिकलिटी ऑफ दिस, यू नो व्हाट, लास्ट ईयर अक्टूबर में मैंने मेरी फैमिली के साथ भूटान ट्रिप किया था फ्रॉम छत्तीसगढ़। सो ऑलमोस्ट यहाँ पर आप बड़े बड़े ऐसे तीन खड़े खड़े बड़े वाले ब्रीफ केस, बैग्स, जितना आप ठूसना चाहते हो ना ठूस सकते हो। तो दिस इज़ अबाउट द बूट स्पेस। आई एम प्लानिंग टू गेट वन रैक बॉल ऑल्सो, बट RTO वाइज इट इज़ नॉट ऑथराइज, सो मैंने ये नहीं लगाया है। सेकेंड इज कमिंग ऑन टू द रियर सीट। ईजिली थ्री पीपल कैन ईजिली एकोमोडेट हियर, और यदि चार लोग हैं तो आप बीच में ही आर्मरेस्ट निकालिए और आराम से बैठ के एंजॉय करिए। एंड लुक एट द व्यू, हाउ ब्यूटिफुल इट्स लुकिंग आउटसाइड। ऑलमोस्ट सनसेट का टाइम हो चुका है एंड इससे अच्छी लोकेशन नहीं मिल सकती थी ये वीडियो शूट करने के लिए मेरे को। सो दिस इज़ हाउ द रियर सीट लुक्स। दो इसमें कुछ डीमेरिट्स ये हैं कि एक आपको बॉटल होल्डर सिर्फ यहाँ मिलता है, आपको कोई 12 वोल्ट का सॉकेट चार्जर यहाँ पे नहीं मिलता, आपको यहाँ पीछे मिलता है, ये पीछे आपको जो 12 वोल्ट का सॉकेट दिख रहा है वो यहाँ मिलता है। बाकी लेग स्पेस क्या है, अभी मैंने इसको पूरा पीछे करके रखा है, उसके बाद भी डिसेंट स्पेस है। मतलब टॉकिंग अबाउट माई हाइट, मैं ऑलमोस्ट 6 feet का हूँ, तो मेरे को जो स्पेस है वो कुछ है। मतलब ये ऑलमोस्ट पीछे है सीट, और इसका जो अपर पार्ट है वो भी काफ़ी पीछे टिका हुआ है। सो जनरली मैं ड्राइव ऐसे ही करता हूँ, उसको सीट को पीछे रख के ही करता हूँ। सो दिस इज़ अबाउट द रियर स्पेस। और बाकी सामान कुछ आप यहाँ पे भी रख सकते हैं अपना, और इसके अलावा पीछे सामान रखने के लिए ऐसे कुछ खास जगह नहीं है, ना मोबाइल होल्डर दिया गया है डोर्स में, और ना ही इसमें बॉटल होल्डर दिया हुआ है, सिर्फ एक बॉटल यहाँ पर आप एकोमोडेट कर सकते हैं। बाकी यदि आपको बॉटल रखना है तो आपको नीचे रखना पड़ेगा, मेरा नंबर प्लेट है जो अभी लगा हुआ नहीं है। तो अब चलते हैं हम आगे की ओर, एक बार फिर से आप लोकेशन का मज़ा ले लीजिए। सो चलते हैं आगे की ओर। सो दिस इज़ हाउ द फ्रंट रोल लुक्स। आराम से ये सीट पीछे करके मेरा नेविगेशन ऑन है। सो इस तरीके से जनरली वी टूर। रूपाली अभी है नहीं मेरे साथ, ये रूपाली के इस सिटिंग पोस्चर है, पूरा पीछे, ये आराम से पीछे है ना। तो दिस इज़ अबाउट द पोस्चर। और टॉकिंग अबाउट द अदर थिंग्स, ये आपको मिलता है इसमें बॉटल। एक्चुअल में ये एसी का जो मतलब ब्लोअर है वो इससे कनेक्टेड है, तो ये एसी कूल्ड रहता है, तो यदि आप बियर या कोई ठंडी बॉटल कैरी कर रहे हैं तो यहाँ रख सकते हैं। उसके अलावा ये आर्म रेस्ट मैंने ऐड किया है, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका वीडियो डाल दे रहा हूँ, तो आप जाके देख सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई डस्टी। फ्रेंकली टॉकिंग अबाउट द टूरिंग थिंग, इट कैन ईजिली ऑफ रोड, ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी इसकी बहुत अच्छी है। और दूसरी चीज़ ये है कि ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी के अलावा यदि और अदर पॉइंट्स देखें, जैसे कि कम्फर्ट ऑन हाईवेज बेस्ट, आस्क एनी पर्सन फ्रॉम डस्टर, ही कैन ईजिली से अबाउट द थिंग्स। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द राइड कम्फर्ट। एंड टॉकिंग अबाउट द माइलेज ऑफ द कार इन हाईवेज, यू कैन ईजिली गेट अराउंड 17 to 17.5। दो योर क्रूजिंग ऑन 100+ एंड द RPM इज़ अराउंड 2500 RPM, देन ऑल्सो यू आर गेटिंग एन माइलेज ऑफ अराउंड 17 to 17.5। एंड टॉकिंग अबाउट अदर थिंग, सो फार आई हैव नॉट फेस्ड एनी डिफ़िकल्टी, एनी प्रॉब्लम इन हाईवे। मैं भूटान होके आ चुका हूँ, और बड़े बड़े 500 किलोमीटर इज़ यू कैन डू एकदम आराम से ऑन इंडियन कंडीशंस, इंडियन रोड कंडीशंस।
एंड यदि अदर रोड कंडीशंस की बात करें, जैसे स्टेट हाईवेज़ है जो जनरली छोटे स्टेट्स के स्टेट हाईवेज़ है, तो स्टेट हाईवेज़ में भी आप आराम से इसमें 70-75 क्रूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी इशू. सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई डस्टर. And if you like the video, please hit the like button, share among duster friends. If you are looking to buy duster, then do comment. I would like to help for anything. Anything you would like to know about duster, please comment down and enjoy the ride.